दोस्तों, राजा रणजीत सिंह हिंदुस्तान की तारीख का वो नाम है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। राजा रणजीत सिंह से बहुत सी कहानियाँ और वाक़यात मंसूब हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले वक्तों में एक से ज़्यादा शादियाँ करना एक आम सी बात थी, ख्वा वो मुसलमान हों या फिर किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। ख़ासतौर पर बादशाहों, नवाबों और अमीरों में ये रवाज आम पाया जाता था। आज की वीडियो में हम राजा रणजीत सिंह की ज़िंदगी में आने वाली ख्वातीन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, राजा रणजीत सिंह 12 साल के थे जब इसके बाप का इंतकाल हुआ। तभी से रणजीत सिंह की ज़िंदगी में ख्वातीन के अहम किरदार की इब्तदा हुई। वालिद के इंतकाल के बाद राजा रणजीत को वालदा की सरपरस्ती मुयस्सर आई, तो इसी तरह से 13 साल की उम्र में इन पर कातलाना हमला भी हुआ, मगर रणजीत सिंह ने हमला आवर पर काबू पाकर इसे हलाक कर दिया। इसके बाद 15 या 16 साल की उम्र में कन्या मिसल के वानी जय सिंह कन्या की पोती और सदा कौर की इकलौती बेटी महताब कौर से राजा रणजीत सिंह की शादी हुई। महताब कौर रणजीत सिंह से 2 साल छोटी थी, मगर ये शादी नाकाम रही क्योंकि महताब कौर ने कभी भी ये बात तस्लीम ना की थी कि राजा रणजीत सिंह को वो अपने बाप के कत्ल से मुआफ़ कर देगी, और वह ज़्यादा अरसा अपने महके में ही रही। दोस्तों, कहा जाता है कि महारानी का खिताब सिर्फ महताब कौर को ही मिला। जब तक महताब कौर जिंदा रही, बाकी सब रानियाँ थीं, और महताब कौर के बाद आखिरी बीवी चंदर कौर को ये खिताब नसीब हुआ। इसके बाद रणजीत सिंह की दूसरी शादी सरदारान सिंह की छोटी बेटी दिता कौर से हुई। दोस्तों, दिता कौर का असल नाम राज कौर था, इसलिए पंजाबी रिवायत के मुताबिक एहतरामन राजा रणजीत सिंह ने यह नाम बदलकर दिता कौर रख दिया, और दिता कौर ही खड़क सिंह की वालदा थी जो रणजीत का जानशीन हुआ था। दोस्तों, एक और खातून का तारीख में जिक्र आता है, ये है सदा कौर, मगर ये रणजीत सिंह की बीवी नहीं थी बल्कि महताब कौर की वालदा थी, और सदा कौर ने ही सुख सल्तनत रखने में रणजीत सिंह की मदद की थी। दोस्तों, खड़क सिंह की पैदाइश के बाद रणजीत सिंह ने महाराजा का लक अपनाया, मगर खुद को सिंह कहलवाना ज़्यादा पसंद किया। राजा रणजीत सिंह अपनी दूसरी बीवी दिता कौर को बहुत ही पसंद करता, और दिता कौर रियासती मामलों में भी बहुत दिलचस्पी लेती थी। रणजीत सिंह दिता कौर की वफात तक रियासती अमूर पर मुशावरत करता रहा, और खड़क सिंह की माँ होने की वजह से रणजीत सिंह से दिता कौर की बहुत ही अपनाइयत थी, और महताब कौर दिता कौर से नाखुश होती थी। और जब खड़क सिंह पैदा हुआ, तो उसके बाद महताब कौर ने कभी रणजीत सिंह से मुलाकात तक नहीं की, और बाकी की उम्र अपनी माँ के पास ही गुजारी। दोस्तों, 2 शादियाँ तो रणजीत सिंह की सियासी शादियाँ थीं। बात करते हैं उन शादियों की जो रणजीत सिंह ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर की। अमृतसर की मुसलमान रकासा मोरा, रणजीत सिंह को 22 साल की उम्र में पहली ही नज़र में मोरा से मोहब्बत हुई। इसके बाद रणजीत सिंह ने मोरा के वालिद की भारी शरायत कबूल करके शादी की। इन शरायत में से एक शर्त यह भी थी कि मोरा के घर में फूंकों से आग जलाना थी। रणजीत ने यह शर्त भी खुशी खुशी कबूल की और इसको पूरा भी किया, और फिर इस तरह से इसकी मोरा के साथ शादी हुई। दोस्तों, मोरा क्योंकि मुसलमान थी, इसलिए सब सिख बरादरी ने इस पर एतराज़ भी किया। रणजीत सिंह मोरा से बहुत ही मोहब्बत करता था, इसलिए मोरा के नाम एक बाग भी तामीर करवाया और मस्जिद भी बनवाई, जो आज भी अंदरून लाहौर में कायम है। इसके बाद 1811 में सिक्का भी जारी किया गया जिस पर मोरा से मंसूब मोहर कंदा थी। दोस्तों, मोरा के ही नाम पर रणजीत ने एक मदरसा भी बनवाया जिसका नाम भी मोरा ही रखा गया, जिसमें अरबी, फारसी और हदीस की तालीम दी जाती थी। मोरा लाहौर में खूब मकबूल हुई। मोरा फलाही काम करती थी और लोगों के मसाइल महाराजा तक भी पहुँचाया करती थी, इसलिए लोग मोरा को रानी साहबा की बजाय इन्हें मोरा सरकार कहते थे। दोस्तों, मोरा से शादी के 3 साल बाद रणजीत सिंह ने गुलबहार बेगम से शादी की, और ये शादी भी अमृतसर में हुई। इस शादी पर बहुत ज़्यादा खर्च किया गया। सोहन लाल सवारी लिखते हैं कि शादी में गैर मुल्की मेहमान भी थे, और शादी में जो रकासाओं को दावत दी गई थी, इन्हें 7,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए गए। दोस्तों, इसके बाद गुलबहार बेगम बहुत अकल और फहम वाली खातून इनको मिली, और एक दफ़ा गुलबहार बेगम के कहने पर चंद कैदियों को भी आज़ाद किया गया। गुलबहार बेगम की अपनी औलाद नहीं थी, इसलिए एक मुसलमान बच्चा गोद लिया जिसका नाम सरदार खान था। बहार बेगम के नाम लाहौर में एक बाग भी बनाया गया जिसे गुलबहार बेगम के नाम से मासूम किया गया। इसके बाद राजा रणजीत सिंह ने रतन कौर और दिया कौर से शादी की। इसके बाद दोस्तों, राजा रणजीत सिंह ने रतन कौर और दिया कौर से शादी की। ये दोनों ही बेवा खवातीन थीं। शादी के बाद रणजीत ने इन्हें बहुत ही प्यार दिया, एहतराम से हरम में रखा, हर तरह से रतन और दिया कौर का ख्याल भी रखा। इसके बाद राजा ने सुनार चंद्र की दोनों बेटियों से शादी की, जिनके नाम महताब देवी और गुड्डा थे। गुड्डा से शादी के बारे में कहा जाता है कि इसका हर तरफ चर्चा हुआ क्योंकि वह बहुत ही हसीन और जमील लड़की थी। तो दोस्तों, बात करते हैं रणजीत सिंह की आखिरी और महताब कौर के बाद महारानी का खिताब पाने वाली चंद्र कौर की।
राजा रणजीत सिंह ने चंद्रकौर के गांव अपनी कमान और तलवार भेजकर शादी की थी और चंद्रकौर का एक बेटा भी था दिलीप सिंह, जो कि सिख सल्तनत का आखिरी महाराजा बना और फिर चंद्रकौर को महारानी का खिताब भी मिला। इनसे पहले ये खिताब सिर्फ बीवी महताब को ही हासिल था। दोस्तों, ये थी वो खवातीन जो राजा रणजीत सिंह की ज़िंदगी में राजा के दिल के बहुत करीब रहने की वजह से इनको हासिल हुई थी। इन तमाम तर खवातीन से राजा रणजीत सिंह ने मोहब्बत भी निभाई, इनका बहुत ख्याल भी रखा और हनम में इनको बहुत ही अच्छी ज़िंदगी से भी नवाजा। कहा जाता है कि इन तमाम तर महारानियों को इतने अच्छे अंदाज में रखा गया कि इनके बारे में आज भी मिसालें दी जाती हैं। ये तमाम तर वो खवातीन थीं जो कोई बेवा थीं और कोई रकासा, लेकिन इन तमाम की रंजीत सिंह ने इस तरह से कदर की कि इसकी आज भी मिसाल नहीं मिलती। इसके बाद हरी देवी, राज देवी और रंजूर कौर से भी इसकी शादी हुई। इनके अलावा रंजीत सिंह की और भी बीवियां थीं जो उन्होंने सबके सामने या फिर कहीं इधर उधर रखी थीं, क्योंकि बहुत से लोग इनसे शादियों पे एतराज़ भी करते थे। दोस्तों, एक अंग्रेज़ी लिखारी लिखता है कि रंजीत सिंह के आखिरी बरसों में बढ़ती हुई उम्र और हरम में मौजूद 17 बीवियों के माबैन अक्सर लड़ाई झगड़ा रहने लगा था और इन खवातीन की दास्तान इतनी ज़बरदस्त रही क्योंकि राजा रणजीत सिंह ने इनका अपने से ज़्यादा ख्याल रखा। वेल दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी आपके साथ मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।